हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लासेस। टुडे वी शॉल स्टडी द थर्ड चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर। ओ वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट विथ वाटर, We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what says my nanny. The river flow, the waterfalls sing. And water swells in lakes and springs. Life on earth, it has brought watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. This poem is written by Sri Prasad. ये poem Sri Prasad के द्वारा लिखी गई है। अब इसका अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं से आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। टिक राइट द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। नीचे दिए जिन कामों में पानी की जरूरत होती है, उन पर सही का निशान लगाओ। टू प्ले, खेलने में क्या पानी की ज़रूरत होती है? नहीं होती। टू सिंग, गाना गाने में? नहीं होती। टू रो अ बोट, नाव चलाने में पानी की ज़रूरत होती है? हाँ होती है। आपने देखा है नाव कहाँ चलती हैं? नदियों में। तो नदियों में क्या रहता है? पानी रहता है। टू राइट, लिखने में? नहीं। टू मेक टी, चाय बनाने में पड़ती है पानी की ज़रूरत। टू नीड डॉग, आटा गूंदने में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। टू रन अ फैन, पंखा चलाने में नहीं पड़ती। टू पेंट पिक्चर, चित्र बनाने में। जब हम वाटर कलर से पेंटिंग बनाएंगे, तब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। टू ग्रो प्लांट्स, पौधे को उगाने में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी फोर एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। ऐसे चार काम लिखो जो तुम बिना पानी के कर सकते हो। डांसिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग। ऐसे चार काम लिखो जो तुम बिना पानी के नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। प्रिपेयरिंग टी, कॉफी, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग एंड बाथिंग। वाटर फ्रॉम वेयर, कहाँ से मिलता है पानी। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस डेट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो जो पानी के स्रोत हैं, उन पर गोला लगाओ। लेक, झील, कुआ, बैल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर,
स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। इनमें से जो भी पानी के स्रोत आपके घर के आसपास हों उन पर गोला लगाना है। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? नहीं, हमने जमीन में से गर्म पानी निकलते हुए नहीं देखा। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट्स नेम। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? यस, बेतवा फ्लो थ्रू माय सिटी। हाँ, बेतवा हमारे शहर से बहती है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। यस, यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू कैन यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स एज वेल। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम लिखो। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। वन हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है वर्क पहेली में ढूंढो और गोला लगाओ। तो चलिए अपन इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पानी यहाँ पे अपन को कहाँ से दिया गया? वाटरफॉल से। फिर बैल, लेक, पॉन्ड, सी, रेन, टैप। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। नदी, पहाड़, तालाब, नल। इनमें से माउंटेन अलग है। क्यों? क्योंकि रिवर, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग ये सब क्या है? पानी के स्रोत हैं। लेकिन माउंटेन, माउंटेन मीन्स क्या होता है? पहाड़ होता है। नेक्स्ट, वाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग अ डो। बाथिंग मीन्स नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, स्विमिंग तैरना, कॉम्बिंग हेयर कंघी करना, नीडिंग डो आटा गूंदना। यहाँ पर कॉम्बिंग हेयर अलग है। क्यों है? क्योंकि बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग और नीडिंग डो में पानी का इस्तेमाल होता है लेकिन कंघी करने में नहीं होता। नेक्स्ट, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टर्टोइस। मछली, बदक, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ। इनमें से मंकी अलग है। क्यों? क्योंकि फिश, डक, क्रोकोडाइल और टर्टोइस ये कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं, लेकिन मंकी पेड़ों पर रहता है। नेक्स्ट, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। कार मीन बोट, नाव। इसमें से बोट अलग है। क्यों है? क्योंकि कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल रोड पर चलती हैं, कुछ ट्रैक पर चलते हैं, लेकिन बोट कहाँ चलती है? पानी में चलती है। थैंक यू।